बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी की है। चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कट गया है और उनकी जगह पर संजय टंडन को उम्मीदवार बनाया गया है। इलाहाबाद से रीता बहुड़ा का टिकट भी कट गया है, उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को टिकट दिया गया है, जबकि कौशाम्बी सीट से फिर से विनोद सोनकर को टिकट मिला है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। बलिया से नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी की नई लिस्ट सामने आ चुकी है और आसनसोल से एसएस आलूवालिया को टिकट मिला है। बीजेपी की नई लिस्ट पर एक बार नजर डालते हैं, बात चंडीगढ़ की सबसे पहले करते हैं। संजय टंडन को वहां से उम्मीदवार बनाया है, मैनपुरी से जयवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो बीजेपी की नई लिस्ट सामने आ चुकी है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर को प्रत्याशी बनाया है। फूलपुर से प्रवीण पटेल को पार्टी ने उतारा है, जबकि इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। बलिया से नीरज शेखर को टिकट दिया गया है, जबकि मछली शहर से बीपी सरोज को बीजेपी ने उम्मीदवार बताया है बनाया है। वहीं गाजीपुर से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया है। आसनसोल से एसएस आलूवालिया को टिकट दिया गया है। इससे पहले पवन सिंह को टिकट दिया गया था, लेकिन अब एसएस आलूवालिया को उनकी जगह टिकट दिया गया है। जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या कुछ खास बातें हैं बीजेपी की इस लिस्ट की? सबसे बड़ी बात, खास बात है कि आसनसोल सीट जिस पर सबकी नज़र थी, वहां पर पवन सिंह जो मेगा स्टार रहे भोजपुरी के, उनको टिकट दिया गया था, उन्होंने इनकार कर दिया। अब वहां से कह सकते हैं ना कि जिनका टिकट कटा था उसको उम्मीदवार बना दिया गया। जो मौजूदा सांसद दुर्गापुर के थे एसएस अहलुवालिया, उनका दुर्गापुर से टिकट कट गया था, वहां से दिलीप घोष को टिकट दिया गया था। ऐसे में पवन सिंह के इनकार के बाद उनका भाग्य कह सकते हैं खुल गया और अब आसनसोल से एसएस अहलुवालिया चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के टिकट पर। दूसरा है कि संजय टंडन जो चंडीगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं उनको टिकट दिया गया है। किरण खेर जो अनुपम खेर की पत्नी भी रही हैं, उनका मौजूदा सांसद है, उनको टिकट काटकर संजय टंडन जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको टिकट दिया गया है। इसके अलावा नीरज शेखर, बलिया सीट काफ़ी हाई प्रोफाइल सीट हो गया था, कई बड़े नाम वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे। विनोद सिंह वहां से जो मस्त थे अभी मौजूदा सांसद, उनका टिकट काटकर चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री, उनके बेटे जो मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं नीरज शेखर, उनको टिकट दिया गया है। ये और इसके अलावा मैनपुरी से कह सकते डिंपल यादव के खिलाफ में जयवीर सिंह ठाकुर जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में, उनको चुनाव लड़ाया गया। विनोद सोनकर जिनके टिकट पर संशय बना हुआ था, जिसे होल्ड करके रखा गया था कौशाम्बी सीट से, उनको टिकट दे दिया गया है। पार्टी ने काफ़ी उस पर थिंकिंग किया, उसके बाद शायद उनको लगा कोई विकल्प शायद वहां पर नहीं है और एक बार फिर से विनोद सोनकर का अजमाया जाए और इसके कारण से उनको टिकट दे दिया। तो बीजेपी ने अभी तक 415 से ज्यादा सीटों पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। जो माना जा रहा है 450-460 उम्मीदवार बीजेपी घोषणा करनी, अभी 25-30 और उम्मीदवार आएंगे, लेकिन आज जो 9 उम्मीदवारों की घोषणा की है उसमें उत्तर प्रदेश से 7 सीटें हैं, आसनसोल से 1 है और चंडीगढ़ से 1। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला हुआ है आज उत्तर प्रदेश को लेकर, जो होल्ड काफी सीटें थी उस पर कुछ नए नामों के साथ बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को टिकट काटते हुए नए उम्मीदवारों को उतार दिया है। रविंद्र, अगर बात की जाए टिकट बंटवारे की, टिकट के ऐलान की, तो बीजेपी बाकी पार्टियों से काफी आगे नजर आती है। अगर लिस्ट को देखा जाए तो कोई पैटर्न नजर आता है कि कुछ खास बातों पर ध्यान दिया जा रहा है जिसके आधार पर टिकट बांटे जा रहे हैं? देखिए, अगर रीता बहुगुणा के देखा जाए तो परफॉर्मेंस के आधार पर, एज के आधार पर उनका टिकट कटा है, और जो मस्त थे उनका भी टिकट एज के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर बलिया से टिकट काटा गया है, तो वहां पर से 2 नए उम्मीदवारों को उतारा गया है। विनोद सोनकर का माना जाता था, जो सर्वे था, सर्वेक्षण था, उसमें परफॉर्मेंस बहुत बेहतर नहीं था। पार्टी ने उनको सेक्रेटरी बनाया था, त्रिपुरा का प्रभारी भी बनाया था, बावजूद उसके उनको लेकर पार्टी में एक राय नहीं थी कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन फिर से उनको दे दिया गया क्योंकि विकल्प नहीं था। कई सीटों पर आपने देखा कि पिछले दिनों में जो लिस्ट जारी हुए थे उसमें मौजूदा जो सांसद हैं परफॉर्मेंस खराब होने के बावजूद उनको टिकट दिया क्योंकि विकल्प पैसा नहीं पार्टी के सामने नजर आया कि इनको टिकट काटने के बाद नए को उतारते हैं तो जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं। तो विकल्पहीन, अगर जैसा कि मैंने कहा एसएस आलूवालिया जो दुर्गापुर से लगातार 2 बार सांसद रहे उनको आसनसोल से उतारा गया, हालांकि ठीक है वहां पर काफी पूर्वांचल के लोग रहते हैं लेकिन वहां शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार होंगे टीएमसी के, वैसे में जब पवन सिंह नहीं तैयार हुए एसएस आलूवालिया का दिया गया। ठीक है, विकल्प और विकल्पहीनता दोनों को कहीं ना कहीं ध्यान में। बिल्कुल रविंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे हम और जानकारी भी लेंगे। Zee News.